और मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज हम बताएंगे कि बुद्ध भगवान के जन्म स्थल लुम्बिनी है, पर उनका मामा का ननिहाल का घर कहाँ है। तो आज आ चुके हम रामग्राम स्तूप, पर रामग्राम 15 में पड़ता है, और उनका मामा का घर जो है बोलते हैं तो वो उज्जैनी में पड़ता है। आप देख सकते हैं ये जो पेड़ दिख रहा है, जो आपके राधे पूरे करके तकरीबन 10-15 साल पहले खींच जो खुदाई हुआ था, वहाँ से सबर करो, पुराना पुराना ईंट निकला था, वहाँ से पुराना घर निकला था, वहाँ पर ढेर सारे आदमियों का जो जीव अवशेष होता है वो भी निकला था। तो इसी तरीके से हमारे नेपाल में भी एक टूरिस्ट एरिया तो नहीं होता है के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर लाखों करोड़ों में हर साल एक नए टूरिस्ट लोग घूमने आता है। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ अपना वो पेड़ के नीचे कपड़ा बांधता है, वो सब का बांधने से बोलते हैं मन के मुरादे पूरा, तो जो सोचो वो पूरा हो जाता है। तो वहाँ हम लोग डायरेक्ट चलेंगे, वहाँ पर देख सकते हो उस पेड़ के नज़दीक में नहीं जाने को मिलता है, वो पीपर का पेड़ है, वहाँ पर वो जो सीन है वहाँ पर ही आप लोग बौद्धिस्ट लोग आता है बांधता है, और बौद्धिस्ट लोग आने के बांधने के बाद भी और ढेर सारा नेपाली लोग भी आता है बांध के, फेमस नेपाल के टूरिस्ट एरिया में से एक है। लुम्बिनी के साथ साथ ये भी फेमस है, नेपाल का सबसे टॉप जगहों में से एक ये माना वाला है। तो भाई लोग आप लोग देख सकते हैं कि ढेर कहना क्या चाहते हो सारे यहाँ आदमी लोग आता है और यहाँ पे आके घूमते हैं और थोड़ा मौज करके जाते हैं। कहाँ से आते हैं ये? और थोड़ा टूरिस्ट एरिया भी माना जाता है, इसीलिए ये नेपाल का बहुत फेमस जगह पर से एक है। कितना लोगों के भी नहीं मालूम होगा कि रामग्राम स्तूपा कहाँ पर है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह रामग्राम 15 की स्थित उज्जैनी गांव में स्थित है, जो बुद्ध भवन का नलियाल गांव माना जाता है। वो पेड़ भी देख सकते हैं, वहीं पर है जो माया देवी का टेंपल दिख रहा है, वहीं पर उसके नीचे है। वो थोड़ा टेढ़ा सा हो गया और पुराने ब्यूटीफुल सारे हैं उसके नीचे, और आदमी वहाँ का एक बार खुदाई हुआ तो वहाँ नीचे उसके आदमी लोग का जीव अवशेष भी दिखाई पड़ा था, और आप लोग देख सकते हैं आ चुके हैं इनके यहाँ देख सकते हैं। पर घूमने के लिए कितना अच्छे से नीचे पर यहाँ पटरी सब ठोंका पड़ा है, और देख ले सकते हैं आप लोग कि कितना रोमांटिक और फेमस जगह है। यहाँ पर आते हैं आज ढेर सारे टूरिस्ट लोग, जहाँ से आके फोटो खींचते हैं, विदेशी भी आते हैं यहाँ के देख के हमारे नेपाल का शान बढ़ाने में से एक फेमस एरिया में से ये भी। पूरा नज़ारा देख सकते हैं आप लोग, कितना आदमी लोग घूमने आता है, कैसे यहाँ पर सारा लोग घूम के यहाँ थोड़ा रमणीय स्थल भी है। ये नेपाल का एक टूरिस्ट एरिया में से एक है, और यहाँ फेमस भी है नेपाल बौद्ध स्थल में से। रुको जरा, सबर करो, दुनिया में से एक भी है बौद्ध स्थल का जो एकदम पिलर देख रहे हैं या सुख पिलर जैसे। रुको जरा, सबर करो, ऐसा जो लुम्बिनी में जैसा पिलर है ऐसा यहाँ पर भी पिलर है। यहाँ पर लिखा हुआ है जो देख सकते हो, वर्ल्ड प्लेस नेपाल प्रॉपर्टी। यहाँ पर ये भी आप है। ये पीछे जो मूर्ति दिखाई पड़ रहा है बुद्ध भगवान का मूर्ति है, जो विश्व के कई मूर्तियों में से कई सात धातु, कोई भी मूर्ति सात धातु से बनता है, जो इसमें भी सात धातु मिलके डाला गया हुआ है इस मूर्ति में। और इस बुद्ध का मूर्ति है जो एकदम फेमस जगह पर है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर भाई लोग के लिए भी वीडियो बनाते हैं, रोमांटिक जगह है जहाँ पे आके थोड़ा टाइम बिताएंगे और अपने घर पे जाएंगे, और साथ ही साथ में थोड़ा मौज मस्ती भी होगा। नेपाल का टूरिस्ट एरिया में से एक जगह ये भी है, ये भी रामग्राम 15 लुम्बिनी के भीतर ही पड़ता है।